आज तक मैं 18-20 साल से सर मैं पानी ऐसे कैसे मिला सर, डर तो है मजबूरी क्या कर सर, आप बताइए कुछ ज्यादा करने पड़ेगा हमें। गंदगी है ये, दूर तो नदी तो कोई तालाब है नहीं, बर्फ गड़ते है छठ बर्फ तो कहाँ जाए। देखिए अभी यमुना की अगर हम दिल्ली स्ट्रेच की बात करें खासकर, तो वो एक तरह से डेड रिवर मानी जाती है पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्वेटिक लाइफ भी सस्टेन नहीं कर सकती है, ना ही उस पानी को हम पी सकते हैं। नहाना एक तरह से खतरे से कम नहीं है। अगर उसमें लोग 15-20 मिनट या उससे ज़्यादा रुकते हैं, नहाते हैं, चाहे पूजा अर्चना के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, तो उन्हें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, खुजली हो जाती है जब थोड़ी देर खड़े हो तो, ये माटी बहुत है ना तो नीचा धस जाते हैं पांव। सरकारें सर कुछ कर सकते हैं ना, सरकारें कुछ कर सकते हैं सर इसके लिए, केमिकल के लिए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे रहे, हम अच्छे जाए, कोई पांव में दिक्कत नहीं हो, जख्म नहीं हो सर। रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल ब्लेम गेम की वजह से भी, और पॉलिटिकल अप्रोच उस तरह की नहीं है कि हमें अपनी नदियों को साफ करना है। हम किसान हैं, हम तो नदी के सहारे ही रहते हैं 30 साल से, हम तो देख रहे हैं मतलब कभी ये पानी साफ हुआ ही। केमिकल बहुत आ रहा है, ऐसे नाले को पानी आ रहा है, सब जमनाम दे दिए, उससे फसल सब मारी जा रही है। सब्जियां या अनाज उगाने के लिए जिस पर ऑलरेडी एनजीटी भी अपना ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, एक तरह से रोक लगा चुकी है कि फ्लड प्लेन में आप सब्जियां मत उगाइए क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई है। पूरे साल पॉल्यूशन का लेवल वही रहता है, लेकिन ये लोगों की अटेंशन जब इसकी तरफ आती है जब छठ पूजा होती है। हम जमुना जी ने करते सर, हर बार जब तक जिएंगे तब तक जमुना जी ने करेंगे सर।